बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब। दी आपने शुगर के लिए कासनी दवा, अच्छी दवा बनाते हैं, अच्छी दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। सम्मान सबसे पाते हैं, सम्मान सबसे पाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। और सबके गम मिटाते हैं बड़े हकीम साहब, बनकर मसीहाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामीन को हकीम अकबर कौसर का आदाब। पनीर क्या है? दूध का एक हिस्सा है। गाय का दूध, ये भैंस का दूध, ऊंट का दूध, ऐसे जो हैं इसमें सबसे बेहतरीन जो दूध होता है ये गाय का दूध है। गाय के दूध में खट्टापन थोड़ा डाल के पकाते हैं, पकाने से वो दूध फट जाता है, पानी एक तरफ और ये दूध का चक्का जो होता है वो एक तरफ। तो पानी को छान के निकाल के ये फेंक देते हैं और दूध का जो ऊपरी हिस्सा ये फटकर खटता है उसे कहते हैं ये पनीर। ये पनीर जम जाने के बाद इसे अरब के लोग ये खाते थे। एक बार अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पनीर लाकर रखा गया तो उसे चाकू से टुकड़े टुकड़े करके तमाम दोस्तों को दिया। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम दूध की बड़ी ये फजीलत बताई है, दूध के हर चीज़ में फ़ायदा है, दूध में फ़ायदा है, पनीर में फ़ायदा है, छाछ में फ़ायदा है, दही में फ़ायदा है, मक्खन में फ़ायदा है, घी में फ़ायदा है। तो दूध के किसी चीज़ से नुकसान नहीं है, इसीलिए कुरान पाक में भी दूध की फजीलत बयान की गई है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूध को बहुत पसंद करते थे और वो पीने के बाद
दुआ भी करते थे। हम गाय को अपनी एक बेहतरीन जानवर साथी समझ के उसे पाल कर उसके दूध को अगर हमें इस्तेमाल करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए हिंदू धर्म के लोग ये गाय की पूजा भी करते हैं। हमारी एक्सपीरियंस में बहुत सारे जड़ी बूटियों को मिलाकर एक फार्मूला बनाया, उसका नाम है अशिफा 500। ये अशिफा 500 किडनी फेलियर की ख़ास दवा है। अशिफा 500 ये जड़ी बूटियों का कंपाउंड किडनी के पूरे बीमारियों में काम आता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है, अशिफा 500 ट्रांसप्लांटेशन से बचाता है। हिंदुस्तान की पुरानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट के फंड से 5 साल तक अशिफा 500 जड़ी बूटियों पर रिसर्च किया और ये रिपोर्ट उन्होंने दी है कि अशिफा 500 अक्यूट रेनल फेलियर को अच्छा करता है। अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को कंट्रोल करता है। अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को मेंटेन करता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने ये रिपोर्ट दी है कि जो लोग ट्रांसप्लांटेशन डायलिसिस करने की सहूलत नहीं रखते वो लोग अशिफा 500 इस्तेमाल करें। जो मरीज़ ऑलरेडी डायलिसिस पर हैं वो लोग ये डायलिसिस के साथ साथ अशिफा 500 इस्तेमाल करने से हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस जो करते हैं वो धीरे 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 कम हो जाता है। डायलिसिस के साथ साथ अगर अशिफा 500 इस्तेमाल करें तो किडनी फेलियर के मरीज़ को एनर्जी मिलती है। डायलिसिस के साथ साथ जो मरीज़ अशिफा 500 भी इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिव रहता है। अगर आपके यहाँ किडनी फेलियर का मरीज़ है, पहले मरीज़ का पूरा रिपोर्ट यानी स्कैन, ब्लड टेस्ट, डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल के पूरे रिपोर्ट, ये पूरों का ज़ेरॉक्स निकाल के इसके साथ आप एक लेटर लिख के मरीज़ की हालत अब कैसी है वो पूरा एक फ़ाइल बना के उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी हमारे हॉस्पिटल को भेज दें। यहाँ पर तजुर्बेकार हकीमों का एक बोर्ड है, बड़े हकीम साहब खुद आपके खौतों के जवाब देते हैं। अपना शिफा महल है 100 कमरों का अस्पताल, हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल, हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब। जड़ी बूटियों का बाग 100 एकड़ जमीन पर, जो सबकी जान बचाने में होता है कारगर, जो सबकी से दवा बनाते हैं, इनसे दवा।
दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब के 100 बेड वाले अस्पताल का पता है डॉक्टर अकबर कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन, 370 मॉस्क्यू स्ट्रीट, न्यू टाउन, वानियम्बाड़ी, 635752, तमिलनाडु। मोबाइल नंबर 9443225390। ईमेल आईडी है drakbarkausar@gmail.com। वेबसाइट है www.herbalhospitals.com।